भाई आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर आपको बताते हैं। बात करते हैं इसराइल और गाजा युद्ध की। देखिए नेतन्याहू अपनों के निशाने पर इस समय आ रखे हैं। नेतन्याहू इस समय बंधक संकट को नहीं सुलझा पा रहे हैं, इसीलिए उनके खुद ही उनके ऊपर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू की जो फोर्स है वो गाजा में ताबड़तोड़ अटैक भी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर नंबर एक, गाजा के खान यूनुस के अलमवासी में तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीर है। मिसाइल जहां गिरी है वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया है, ये 30 फीट गहरा गड्ढा है। इस शख्स के हाथ में उस मिसाइल के टुकड़े हैं जिसने करीब 40 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। قالوا لنا نزحوا على مواسخ نونس ونزحنا زي الناس اللي نزحت صدقنا كلامهم وجينا على خنونس وشلنا اغراضنا وشلنا عزالنا زي ما انت شايف وامنين نايمين امنين احنا واطفالنا الساعه 12 ونص في الليل ما بنفطن غير براميل براميل صواريخ صواريخ فوق الست ورا بعض مش عارف على ايش تصوير نمبر 2 मिट्टी में तलाश चल रही है। लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद तो कतई नहीं है, सुपुर्दे खाक करने के लिए बॉडी ही मिल जाए। اللي شفناه يا خال احنا سيل على جديد اللي نشوف الناس لقينا جوار خيام مغاص في التراب تحت مدفون رمل الخيام كلها مش مبينه زي ما انت شايفه ساحه فاضيه كل وين الخيام الخيام وين بعده طلع فرج هنا وصور شوف هنا وين الخيام كله مدفون في التراب تحت كله تحت मजबूर बर्रा में। तस्वीर नंबर 3, तस्वीर में सिर्फ लाशें लाश हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, लिहाजा इनकी पर्देदारी करनी पड़ी है। मौत के बाद मातम की चीखों से पूरा गाजा हिल उठा है।